राजधानी दिल्ली के बस अड्डों पर अलग अलग जगहों पर भारी भीड़ देखी जा रही है प्रवासी मजदूरों की, जो घर वापसी के लिए अलग अलग हिस्सों में पहुंच चुके हैं। काफी बड़ी तादाद में लोग अपने घर लौटने लगे हैं। यकीनन ये स्थिति जो इस वक्त दिल्ली में पैदा हुई है, बहुत सारे सवालों के साथ लोगों के सामने खड़ी हुई है। आपको बता दें, जब से अरविंद केजरीवाल सरकार की ओर से 6 दिनों का फैसला लिया गया लॉकडाउन का, उसके बाद से ही घर वापसी के लिए अलग अलग हिस्सों में मजदूर जुटने लगे। तंसीम हैदर हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं जानकारी के साथ। तंसीम, तस्वीरें दिखाई दर्शकों को हमारे। चित्रा, ये आनंद विहार की तस्वीरें मैं कहूंगा अपने कैमरामैन को कि दिखाएं लोगों को कि लगातार लोगों की भीड़। जब ये इस बात का ऐलान हुआ कि दिल्ली में लॉकडाउन लगेगा, उसके बाद से ही आप देख सकते हैं कि लोगों की भीड़ अचानक से, मैं आनंद विहार पे हूँ, आनंद विहार बस अड्डे और रेलवे स्टेशन के आसपास लोगों की लगातार भीड़ बढ़ती जा रही है। लोग अपने घरों का सामान, अपने छोटे छोटे बच्चों को लेके अपने सर पे, ये वो लोग हैं जो यहाँ पे रोज़मर्रा की अपनी नौकरी, अपनी कमाई का जरिया ढूंढने के लिए दिल्ली और दिल्ली NCR के क्षेत्र में आते हैं। लेकिन जब इन्हें ये पता चला कि यहाँ पे अब लॉकडाउन लगाया जा रहा है, तब इनका ये कहना है कि अब इन्हें उम्मीद है कि हो सकता है लॉकडाउन बढ़ जाए, लिहाजा एक थोड़ी सी पैनिक सी सिचुएशन हुई है। और तमाम अलग अलग इलाकों से बहुत सारे लोग, सैकड़ों लोग, आप देख सकते हैं अगर फुटओवर ब्रिज के ऊपर देखेंगे, इस टाइम रात में बहुत साफ नज़र नहीं आएगा, लेकिन ये पूरा फुटओवर ब्रिज भी ऊपर से भरा हुआ चल रहा है। उस तरफ से लोग इस तरफ आ रहे हैं, इस तरफ से उस तरफ आ रहे हैं। लोग यहाँ से जल्दी चले जाना चाहते हैं। जाहिर है कि शायद सरकार को इस बात की उम्मीद नहीं थी कि अचानक से इतनी भीड़ बढ़ जाएगी, और यहाँ पे अभी उतनी बसें मुहैया और अवेलेबल नहीं है लोगों के लिए, और लोग बेहद परेशान हैं। वो ढूंढ रहे हैं अपने अपने घरों से जाने के लिए। आप देखिए कितने बड़े बड़े बोझ, कितने बड़े बड़े सामान अपने सर पे लाद के लोग यहाँ से जाने की तैयारियाँ कर रहे हैं। मैं चाहूँगा कुछ लोगों से बात करूँ। कहाँ जाना है आपको? शाहजहानपुर जाना है। कहाँ से आ रहे हैं? ये सीलमपुर से। क्यों जा रहे हैं वापस? अब बात यहाँ रहने की जुगाड़ नहीं ना, जब ही जा रहे हैं वापस। अच्छा, आपको कहाँ जाना है? जी मुझे फर्रुखाबाद। फर्रुखाबाद? फर्रुखाबाद। फर्रुखाबाद क्यों जा रहे हैं वापस? जी अब पता नहीं, लॉकडाउन 7 दिन का फिर आगे बढ़ा दिया, जब दिक्कत ही दिक्कत है, खाने की दिक्कत। फिर देखिए यहाँ जो ज़्यादातर लोग हैं उनका सिर्फ सीधा सा एक जवाब है कि हमारे पास यहाँ खाने के लिए किल्लत हो जाएगी, सब कुछ बंद हो रहा है, हम खाएंगे क्या, कैसे रहेंगे। तो लोगों में ये डर है, और इस डर की वजह से आप देखिए सैकड़ों लोग यहाँ से अपने घरों को पहुँच जाना चाहते हैं, निकल जाना चाहते हैं, और यही वजह है कि आनंद विहार में लगातार भीड़ बढ़ती जा रही है। और पूरा ट्रैफिक अगर देखेंगे ITO से लेके आनंद विहार, गाजीपुर, गाजियाबाद तक, तो ज़बरदस्त ट्रैफिक जाम की हालत है, और लोग पैदल बहुत दूर दूर से चल के आ रहे हैं।